जॉन, ये है अद्भुत गैजेट। अद्भुत गैजेट? इससे क्या होगा? इसमें है अजीब शक्ति। अगर कोई भी आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं है, उसके सामने अगर किसी ने ये बटन दबाया, तो सामने का कोई भी ऑब्जेक्ट जिंदा होकर वो आदमी को निकल जाएगा। याद रहे, सिर्फ एक भी बाल हुआ तो ये मशीन काम नहीं करेगी। अरे वाह, ये गैजेट है कि एनाकोंडा? ये बहुत ही कमाल की चीज है। अच्छा जॉन, मेरे पैसे। साइंटिस्ट सर, ये तो बताओ, आपने टोपी क्यों पहन रखी है? आपके सिर पर तो बाल है ना? अरे भाई, मेरे सिर पे तो बाल ही नहीं है, इसलिए पूरे टाइम टोपी पहनता हूँ। ये देखो, ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब ट्रायल का समय आ गया है। बचाओ, बचाओ, धोखा, तुमने धोखा दिया मुझे जॉय, धोखा। अब मैं मोटू पतलू और उसके दोस्तों की टोली का सफाया कर दूंगा। बॉस, बॉस, मोटू पतलू के सिर पे बाल हैं। साइंटिस्ट ने कहा था सिर पे एक भी बाल नहीं होना चाहिए। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में तूफानी आइडिया बहुत दिनों से पक रहा था। अब टाइम आ गया है उस आइडिया को पूरा करने का। ना उनके सिर पे एक भी बाल रहेंगे और ना वो लोग रहेंगे। पतलू, वो भी क्या दिन थे जब हमारे सर पे भी लंबे घने बाल थे। हाँ मोटू, काश वो दिन फिर से आए और किसी तरह फिर से बंजर धरती पे खिलखिलाते बाल उग आए। बालिश, तेल बालिश, तेल बालिश करवा लो। ये तेल लगाओगे तो झटपट सिर पर लहराते हुए बाल आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कोई तेल वेल नहीं चाहिए। बहुत देखे हैं ऐसे हवाई सपने दिखाने वाले। ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं। तुम मुझे एक कप चाय बना कर दो और खुद ही तेल लगा लो। जब तक मैं चाय पीऊंगा, उतनी देर में तुम्हारे सिर पर बाल न निकल आए तो नाम बदल देना। ये तेल इतना ज्यादा फास्ट है, पतलू इनको चाय बना कर दे दो। अरे तेल वाले, ये क्या, हमारे सिर के बच्चे खुचे बाल भी चले गए। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब तुम दोनों एक जैसे पक्के दोस्त लग रहे हो। दोनों के सिर पर सफाचट, खाली मैदान। मोटू भागो, जॉन के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। उसके हाथ में गैजेट है। जॉन, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, तुमने हमें धोखा दिया। बटन तो दबाने दे तेरे बाबा। मोटू, जॉन ने अपने शैतानी दिमाग में जरूर कोई नया आइडिया निकाला है। उसके हाथ में कोई गैजेट भी था जिसके बल पर वो इतना ज्यादा खुश हो रहा था। हमें पता चलना होगा कि वो गैजेट है क्या। हेलो मोटू पतलू, तुम दोनों कैसे हो? अरे चिंगम सर, हम दोनों तो बिल्कुल चकाचक है, पर आपके सिर की खेती कहाँ गई? चिंगम सर, तेल मालिश वाला कहीं आपके भी सिर की मालिश तो नहीं कर गया? तेल मालिश वाला? कौन तेल मालिश वाला? मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं आया। मेरे पास एक चोटी हाइट वाला पुलिस कमिश्नर आया था। अय्या, मैं सीनियर कमिश्नर हूँ, मुझे तुम्हें अपने पोस्ट पर प्रमोट करना है। थैंक यू
यू सर, सॉरी सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। यस सर। मेहनत तो करनी ही चाहिए, पर पहले तुम अपनी टोपी उतार कर अपने बाल दिखाओ। ये देखिए सर, मेरे बाल कितने घने हैं, कितने काले हैं, कितने सुंदर हैं। सॉरी सर। ओ नो, मुझे तो बिना बालों वाला कमिश्नर चाहिए। सुंदर बालों वाले कमिश्नर काम कम और अपने बालों को संवारने में ज्यादा लगे रहते हैं। एक मिनट सर, आप अपनी आंखें एक मिनट के लिए बंद कीजिए। प्लीज सर। सर, अब आके खोलिए। वेल डन माय बॉय, वेल डन। ड्यूटी के लिए तुम्हारा डेडिकेशन काबिले तारीफ है। अब तुम नए कमिश्नर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। कल सुबह तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मैं खुद आऊंगा। थैंक यू सर। यस सर। मोटू पतलू, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी। कल मैं कमिश्नर बन जाऊंगा, कमिश्नर चिंगम। यस चिंगम सर, आप उदास मत होना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला। अरे चिंगम सर, ये सब जॉन का कुछ नया कारनामा है। बड़े भैया घसीटाराम, अरे तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? एक लंबी कहानी है, फिर भी शॉर्टकट में सुनाता हूँ। तुम्हारी बोरिंग सी कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों, मेरा क्या प्लान है मैं खुद ही तुम सबको दिखा देता हूँ। अब तुम सब मेरे शिकार हो। शिकार? कैसा शिकार? अरे माँ, ये क्या है? मामून, ये जीप है किसा? मैंने कहा था ना, जॉन किसी गैजेट से बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जल्दी कहीं छुपो। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। ये जीप जिसके सिर पर बाल नहीं है उसको ही पकड़ रही है। क्यों ना हम सब विग लगा ले। मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मोटू, तुम जीप को मार रहे हो कि हम सबको? मोटू, ये लो समोसा। वो गैजेट छिनना है। अब जिंदगी में कोई गम नहीं। अब तक तो जीप ने मोटू पतलू और उसके दोस्तों की टोली का खात्मा भी कर दिया होगा। बॉस बॉस, आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़े से काट दूं? ओके ओके, ठीक है, पर सिर्फ ट्रिम करना।
सारे बाल क्यों निकाल दिए? ये सब क्या हो रहा है? जॉन, सब्र का फल मीठा होता है ये कहावत है, पर तुम्हारे लिए फल बहुत कड़वा होने वाला है। मोटू रेडी? मेरी बहन मुझे से दुश्मनी, नंबर वन नंबर टू कहाँ हो? बचाओ बचाओ ना चिंगम सर। दोस्तों आज तो हम सब बाल बाल बच गए।